मुल्क भर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामला। अब तक 5 रियासतों के 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुकी है। राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में ओमिक्रॉन के एक एक केस की तस्दीक हुई है। और गैर मुल्क से मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली लौटे 295 लोगों में से 109 की तलाश अभी भी जारी है। लापता कई लोगों के फोन बंद है तो कुछ के पतों पर ताला लगा हुआ है। और एक बड़ी खबर आज की यह है कि आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। करीब 10,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे वज़ीर-ए-आज़म। 112 एकड़ में बने एम्स और RMRC की हाईटेक लैब का भी इफ्तिताह करेंगे। वहीं फर्टिलाइजर प्लांट को भी मुल्क को वक्फ करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर दे दें आपको, किसान तहरीक को लेकर सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर मीटिंग है और 5 रुकनी कमेटी को अभी तक मरकजी हुकूमत ने तलब नहीं किया है बातचीत के लिए। दिल्ली नोएडा रास्ता ब्लॉक करने पर मफाद आमा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाध भी है। और चौथी बड़ी खबर दे दें आपको, यूपी के मुरादाबाद में मौजूद एक नर्सिंग होम में आग लगने से हादसा पेश आया। 28 मरीजों को बचा लिया गया है, सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। और पांचवी बड़ी खबर, अपने 6 घंटे के दौरे पर हिंदुस्तान आए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के हालात पर तश्वीश का इजहार किया। दहशतगर्दी और सभी दहशतगर्दाना तंजीमों के खिलाफ एक्शन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से मिलकर लड़ने पर इत्तफाक राय बनी दोनों ममालिक के बीच।